दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मामूली रोड पर रेंज के एक युवक को गोली मार दी गई, जिसकी हालत बेहद गंभीर है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के लाइसेंस रिवाल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में ये 50 वर्षीय कृष्ण पाल दरअसल गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के इलाके के घोकना मोड़ से कृष्ण पाल अपनी कार से जा रहा था। उसी दौरान आशीष त्यागी नाम का युवक अपनी बाइक खड़ी करके ठेले पर खाना खा रहा था। वहीं कृष्ण पाल ने आशीष को बाइक हटाने को कहा, लेकिन आशीष ने इस पर इनकार कर दिया। वहीं कृष्ण पाल ने गुस्से में आकर आशीष पर गोली चला दी। गोली दिल के ऊपर लगी है, वहीं उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। रोडरेज को लेकर एक घटना सामने आई है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंस से हथियार से दूसरे पर हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला? इस प्रकार थाना सियानी गेट क्षेत्र में घुकना मोड़ पड़ता है, वहाँ कल आशीष त्यागी नामक व्यक्ति को गोली मारी गई है। जो प्रकरण था, ये कृष्ण पाल नामक एक व्यक्ति था जो अपनी होंडा इमेज गाड़ी से जा रहा था और आशीष वहीं पे कुछ नाश्ता कर रहा था। जो जानकारी मिली थी उसी में उसकी गाड़ी रोड पे खड़ी थी, उसको हटाने को लेके विवाद हुआ, विवाद ज़्यादा बढ़ा। इसी दौरान इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसे गोली मारी। घायल को तत्काल स्थानीय जनता और पुलिस के सहयोग से यशोदा में एडमिट किया गया। अभी उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है और जो इसमें अभियुक्त थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हो गई है। जल्द ही अग्रिम विधानी कार्रवाई की जाएगी। सर, हालत कैसी है घायल की फिलहाल? गोली कहाँ लगी है उसको? कितनी गोलियाँ लगी हैं? ये जो डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि सीने के पास थोड़ा सा ऊपर बता रहे हैं, लेफ्ट साइड में उसे गोली लगी थी। उसे रात में ही, देर रात में ही ऑपरेट भी किया गया है और अभी स्थिर बताई जा रही है उसकी हालत। डॉक्टर अभी तक निगरानी में ही है और अभी अभियुक्त भी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही आगे का। सर, मामूली बात पर जिस प्रकार की घटना सामने आई है लाइसेंसी हथियार से, तो उसके निरस्त की पुलिस कार्रवाई करेगी आगे? हाँ, वो लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। जो अभियुक्त है उसे जेल भी भेजा जा रहा है और उसके निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।